नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनस्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। पकड़डीहा में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के चौथे दिन श्रोताओं की लगी भारी भीड़। बता दें कि संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह के आने के आयोजन पकड़डीहा गांव निवासी शिवमूर्त सिंह एवं कमला सिंह के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें प्रतिदिन दूर दूर से आए कथा श्रोताओं की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 18 नवम्बर दिन शनिवार से शुरू हुआ, जिसका समापन 24 नवम्बर दिन शुक्रवार को होना है। तत्पश्चात एक विशाल भंडारे का भी आयोजन 25 नवम्बर दिन शनिवार को किया गया है। कथा श्रोताओं को संगीतमयी भागवत कथा दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा अभ्यास भगवताचार्य पंडित चंद्रेश जी महाराज पीठाधीश्वर पचपेड़वा आश्रम के द्वारा रामकथा का रसपान कराया जा रहा है। चौथे दिन की भागवत पुराण कथा में पंडित चंद्रेश जी महाराज ने बताया कि भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं, जिसे सुन श्रोता भाव भी भोर उठे। लोक कल्याण एवं जन कल्याण के लिए रामकथा में प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसे बनाया गया पंडाल खचाखच श्रोताओं से भर जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी भव बाधा हरो, यानी सांसारिक बाधाओं को नष्ट करने का एक रास्ता है, जो रामकथा के द्वारा लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, जिससे श्रोताओं के जीवन में एक ऊर्जा का उत्साह भी होता है। कथा के साथ शानदार संगीत में भजनों को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो रहे थे। कथा आयोजकों ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।